भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद को प्रदेश का मछुआ प्रकोष्ठ का संयोजक बनाया गया, जिसके संबंध में राज्यसभा सांसद तथा मछुआ प्रकोष्ठ के नव नियुक्त प्रदेश संयोजक जयप्रकाश निषाद ने बताया कि पार्टी के द्वारा दी गई नई जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए उसका पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मत्स्य संपदा योजना लाकर देश के मछुआ समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार ने मछुआ समाज के जमीनों पर हुए कब्जों पर बुलडोजर चलवाकर खाली करवाने का काम किया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा, आगामी विधानसभा चुनाव में 2022 को देखते हुए प्रदेश सरकार के द्वारा लागू कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा तथा उन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर दोबारा प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्यसभा सांसद तथा प्रदेश के मछुआ प्रकोष्ठ के संयोजक जय प्रकाश निषाद ने कहा, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ आज पूरे देश में काम कर रही है। उसी कड़ी में मुझे मछुआ प्रकोष्ठ का संयोजक बना करके आज भागीदारी सबको दे रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मछुआ समुदाय के लोगों को भी शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरह से ये जो आगे बढ़ें। इसी कड़ी में मुझे ये प्रदेश का संयोजक बना करके और मुझे पूरे प्रदेश में मछुआ वर्ग के लोगों को जागृत करने के लिए, उनको अपने हक को एहसास कराने के लिए, और अगर ये पार्टी इनके ऊपर गहन अध्ययन कर रही है, आपने देखा होगा इस समुदाय के लोग चाहते हैं कि मुझे अच्छा से अच्छा व्यवस्था सुविधाएं दी जाए। आज इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मत्स्य संपदा योजना लागू करके पूरे देश में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे मछुआरों का विकास होगा। और आज देख लीजिए उत्तर प्रदेश में जो जल जंगल जमीन जिसमें लोग कब्जा करते थे, गुंडे माफियाओं का राज हुआ करता था, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने उन गुंडे माफियाओं के ऊपर नकेल कसने का काम कर रहे हैं। आज गुंडे माफियाओं को जेल के सलाखों के पीछे भेज रहे हैं ताकि जो इनका हक हुकुम जो इनका अधिकार है उस अधिकार का अतिक्रमण कोई भी गुंडा माफिया ना करने पाए। आज प्रदेश और देश की सरकार अच्छी तरह से जो है सबके साथ है। इसी कड़ी में मैं अपने लोगों को उत्साहित और प्रोत्साहित, आने वाले समय में जो जिस योग्य होगा वैसा उनको दायित्व मिलेगा, और पार्टी चाहती है कि भागीदारी दे करके इस समुदाय को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। होने वाले दिनों आगामी विधानसभा चुनाव भी है, इसके लिए क्या तैयारी? देखिए तैयारी जो करेगा उसको पार्टी, उसको भागीदारी पार्टी जरूर देगी। ये इसके लिए हम भी पूरा प्रदेश में जो लोग उस योग्य होंगे कि नहीं उनको भागीदारी चाहिए, तो उनकी बात शीर्ष और प्रदेश नेतृत्व को जरूर पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।